मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है। I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. I'm very happy to be able to represent Wayanad and all I'll say is that I won't let them feel his absence. दोनों को दो सांसद मिल रहे हैं, सिंपल सी बात है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कांग्रेस के लिए फिर से अच्छा वक्त वापस लेकर आए, क्योंकि कांग्रेस से पिछले दोनों चुनावों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने 99 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा किया है। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस बार रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की, लेकिन संविधान के नियमों के मुताबिक राहुल गांधी को एक सीट तो छोड़नी ही पड़ेगी। लिहाजा गांधी परिवार ने यह तय किया कि राहुल गांधी जिस वायनाड सीट को छोड़ने वाले हैं, अब उसी सुरक्षित सीट से प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए। यानी देश भर में घूम घूम कर जो प्रियंका गांधी अभी तक कभी अपनी माँ कभी भाई के लिए वोट मांगा करती थी, अब वो अपने लिए वायनाड की जनता से वोटों की अपील करती दिखाई देंगी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान। तो अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लोकसभा का चुनाव लड़कर संसद तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। खबरों की माने तो कांग्रेस नेता केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने जा रही है, जहां से हाल ही में उनके भाई राहुल गांधी ने जीत दर्ज की है। अब उसी सीट से गांधी परिवार प्रियंका गांधी को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वायनाड में मुस्लिम और ईसाई आबादी सबसे ज्यादा है। ऐसे में प्रियंका गांधी की सेफ लॉन्चिंग में किसी भी तरह की परेशानी गांधी परिवार को तो नजर नहीं आ रही। बहुत खुश हूं मैं, आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड ऑल आई विल से इज दैट आई वोंट लेट देम फील हिज एब्सेंस। एज ही सेड ही विल कम मेनी टाइम्स विद मी, बट आई विल वर्क एज हार्ड एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी एंड टू बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव। और रायबरेली के साथ तो मैं मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता, उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं। और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को दो सांसद मिल रहे हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन जिस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे गांधी परिवार प्रियंका को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा था, अब उसी समुदाय ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल प्रियंका गांधी की सियासत में लॉन्चिंग को 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के साथ ही हो गई थी। प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग वही प्रभारी थी, गांधी परिवार ने तब उन्हें यूपी के महासचिव पद की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन उस चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी तमाम कोशिशों के बाद भी यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से महज 2 सीटें ही कांग्रेस को जिता पाई थी। शायद उसी हार के डर की वजह से कांग्रेस ने प्रियंका को इस बार के लोकसभा चुनाव में नहीं उतारा और अब उन्हें वायनाड सीट से उपचुनाव के जरिए संसद भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन उपचुनाव से पहले ही केरल के मुस्लिम समाज ने प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस विरोध में सबसे आगे देश के पूर्व आईपीएस ऑफिसर अब्दुल रहमान है, जिन्होंने सीए के विरोध में अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा तक दे दिया था और अब वो प्रियंका गांधी के वायनाड सीट से लड़ने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस वायनाड में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, वहां से कांग्रेस को प्रियंका की जगह किसी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। इसी बात से आहत होकर पूर्व आईपीएस अफसर अब्दुल रहमान ने एक पोस्ट कर लिखा, सुनने में आया है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे। वायनाड एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जहां 45% मुस्लिम 20% ईसाई है। कांग्रेस को चाहिए कि वो यहां से किसी मुस्लिम को टिकट दे। ऐसा होता है तो मुस्लिम सांसदों की गिनती 24 से बढ़कर 25 हो जाएगी और अगर ऐसा नहीं होता तो देश के मुसलमानों को गहरा आघात लगेगा। मुसलमान ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या कांग्रेस इस समुदाय का सिर्फ इस्तेमाल ही करती रहेगी या कभी उन्हें उनके जायज राजनीतिक हक भी दिलवाएगी। इस मुद्दे पर पूरे समुदाय की नजर है। उनके इस बयान को जब सामने आया तो उस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तो जैसे ट्वीट्स की बाढ़ सी आ गई। यूजर जमकर कांग्रेस की खिंचाई कर रहे हैं। फतेह पठान नाम का एक यूजर लिखता है कि किसी भी हालात में ये मुसलमान को टिकट नहीं देंगे। इन्हें पता है कि किसी भी मुसलमान को टिकट दो या ना दो, ये कौम इतनी जाहिल है कि हमें ही वोट करेगी, फिर क्यों किसी मुसलमान को टिकट दिया जाए, ऐसा ट्वीट किया गया। मोहम्मद इमरान नाम का यूजर लिखता है कि राहुल गांधी में चुनाव जीतने या जिताने का इतना ही मादा है तो प्रियंका को कहीं और से क्यों नहीं चुनाव लड़वाते और वायनाड से किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते। निजामुद्दीन अंसारी लिखते हैं
कि गद्दारों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुसलमानों को लथेरपन की आदत पड़ गई है, जमीर मर गया है मुसलमानों का। इसी तरह के ट्वीट्स की सोशल मीडिया पर भरमार है जो गांधी परिवार के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे। वैसे उनकी बात भी ठीक है, राहुल गांधी खुद तो वहां टिके नहीं, पहले अमेठी छोड़कर वायनाड भाग गए और अब वायनाड की जनता ने जब उन्हें जिताया है तो रायबरेली भाग खड़े हो। जब वो खुद ही दो बार जिताए जाने पर जनता के भरोसे पर खरे नहीं उतरे तो भला अब वायनाड की जनता प्रियंका पर भरोसा कैसे करेगी। वैसे भी इस चुनाव में जीत के बाद जब राहुल गांधी खुद ही ये कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से पीएम मोदी के सामने अगर उतारते तो मोदी 3-4 लाख वोटों से हारते, तो फिर क्यों राहुल ने अपनी बहन प्रियंका को वाराणसी सीट से नहीं उतार दिया जहां से उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती थी? या फिर राहुल प्रियंका के लिए रायबरेली की सीट छोड़कर वायनाड सीट पर ही सांसद बने रहते, रायबरेली में उपचुनाव होते तो प्रियंका को वहां से चुनाव लड़वाते? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि गांधी परिवार अच्छे से जानता है कि अगर इस बार राहुल गांधी ने यूपी की रायबरेली सीट छोड़ दी तो वहां की जनता कभी गांधी परिवार पर विश्वास नहीं दिखाएगी और ना ही प्रियंका गांधी को वहां से जिताएगी। खैर, अब जब गांधी परिवार ने प्रियंका गांधी को वायनाड से लॉन्च करने का मन बना ही लिया है तो देखने वाली बात यह होगी कि वायनाड की जनता उनके इस फैसले का कितना समर्थन करती है और प्रियंका को जिताती है। फिलहाल वायनाड में जो हालात पैदा हो रहे हैं उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वायनाड की बाकी जनता प्रियंका का साथ दे या ना दे, वहां की मुस्लिम आबादी तो कांग्रेस का साथ बिल्कुल नहीं देने वाली किसी भी तरह से। इस कांग्रेस के फैसले में वहां की मुस्लिम आबादी कांग्रेस के साथ नहीं दिखने वाली। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।